वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की और प्रदेश में सरसों की खरीद बंद होने समेत जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने को लेकर प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार 11 दिन हो गए हैं, पहलवान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से उनके कहना है कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे सर? ब्रजभूषण शरण को तुरंत WFI का अध्यक्ष के पद मुक्त किया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पे लगातार 3 महीने बाद दोबारा जब जंतर मंतर पे ये बेटियां बैठी, पहलवान बैठे, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दिल्ली पुलिस FIR लिखती है। उससे पहले FIR नहीं, एक FIR पॉस्को एक्ट में है, एक सेक्सुअल हेरेसमेंट में है, दोनों के अंदर गिरफ्तारी बनती है। आज तक दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पहलवानों के साथ है। लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली के कार्यकर्ता, हरियाणा के कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल राय जी, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, मैं खुद और हरियाणा के मेरे सभी साथी लगातार धरने पर जा रहे हैं और पहलवानों के साथ हैं। एक सीलबंद रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में दी गई और दिल्ली पुलिस को लेकर कहा गया कि कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस ठीक से नहीं कर रही, क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस बीजेपी के भारी दबाव के अंदर है। अगर बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा वास्तव में सही देना चाहती है तो दिल्ली पुलिस को इस मामले में फ्री कर देना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष जांच कर सके। अपने एक सांसद को बचाने के लिए इस कदर तक नीचे नहीं जाना चाहिए। सर, एक पत्र आप जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिख रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, कई प्रकार की समस्याएं जो है किसानों के सामने देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे गेहूं की फसल की बात की जाए, अन्य फसल की बात की जाए, क्या कहेंगे? मैंने सरसों की जो फसल की खरीद बंद कर दी है, एक आज पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा है कि पहले ही बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण हरियाणा में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और अब 1 मई से आपने ये फसल की खरीद बंद कर दी है। जिस खरीद के बंद होने की वजह से हजारों ट्रैक्टर मंडियों के बाहर लाइन में खड़े हुए, ऊपर से बरसात में भीग रही है, मंडी से फसल का उठाव नहीं हो रहा है, आप किसान की फसल खरीद नहीं रहे हैं। गिरदावरी आपने देरी से की, फसल कट के देरी से आई और अब ये दोहरी मार ना डालें इसके ऊपर। मैंने निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से कि आप मुख्यमंत्री जी खुद और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कई बार बयान देते थे कि हरियाणा के किसान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, अभी तो लाखों टन सरसों की खरीद बाकी है, आपने खरीद बंद कर दी। मैंने उन पत्र लिख के निवेदन किया कि जब तक एक एक दाना ना खरीद लिया जाए, जब तक ये खरीद को जारी रखें, खरीद का बंद ही हटाई जाए। सर, संजय सिंह जी का बड़ा दावा देखने को मिलता हुआ नजर आया, ईडी जो है कहीं ना कहीं उनका जो नाम लिया गया था चार्जशीट में, उसको लेकर जो है खेद जताया, क्या कहेंगे सर? आज के इस एपिसोड से सिद्ध हो गया है कि कोई शराब केस है ही नहीं, एक फर्जीवाड़ा है। इस फर्जीवाड़े में बीजेपी के दबाव के अंदर ईडी काम कर रही है, आनन फानन में आम आदमी पार्टी के लीडर्स का नाम लिखते जा रहे हैं, पूरी प्रेस के सामने। संजय सिंह ने दावा किया था कि मैं मानहानि का केस करूंगा और मेरा नाम गलत तरीके से घसीटा गया है। जब अफसरों के ऊपर व्यक्तिगत बात आई तो उन्होंने माफी मांगते हुए उनका नाम हटाया है, तो ये बात सिद्ध करता है कि बीजेपी का कितना दबाव इन एजेंसियों के ऊपर है। तो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता थे जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।